वीडियो वायरल होने के बाद चैनल पे खबर चलने के बाद डीआईजी जेल को भेजा गया है रायबरेली जेल के निरीक्षण के लिए, और इस समय वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग कई घंटे गुजारने के बाद वो जेल से निकले हुए हैं और इस समय मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। करेंगे सर, ऐसा क्या था कि लगातार पिछले माह भी आप आए थे और आप उस समय कुछ नहीं, आप उसमें नहीं थे क्या? उस समय कुछ नहीं निकला था, तो ऐसी चूक कहाँ पे हुई? नहीं, इसे चूक थी, इसीलिए कार्रवाई हुई है। जो छह लोग यहाँ के निलंबित किए गए हैं, जेल अधीक्षक से लेकर छह लोग निलंबित किए गए हैं, कुछ चूक थी, लापरवाही थी, इसीलिए कार्रवाई की गई है और इसकी विस्तृत जांच आगे की जाएगी। जो FIR कायम हुई है जिसमें कि चार मोबाइल फ़ोन मिले हैं, उसकी गहन विवेचना की जाएगी, उसमें अगर किसी की संलिप्तता पाई जाएगी उसमें और कार्रवाई होगी। बंदी की मौत होती है पिछले महीने, उसके बाद अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, कल भी एक बंदी ने फांसी लगाने की कोशिश की जिसको बचाया गया। मामला आप ही के अधिकारियों का बयान भी उसमें छपा हुआ है कि तो 3 नंबर बैरक से 6 नंबर में भेज दिया गया, इसलिए उसने फांसी लगाने की कोशिश की। लगातार रायबरेली जेल में ही ये क्यों हो रहा है? कहाँ कमी रह गई? इस चीज़ को भी देखा जा रहा है, जो बंदियों की बैरक एक बैरक से दूसरे बैरक में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके बारे में भी कोई एक ऐसा नियम बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की ऐसी ट्रांसपेरेंसी रहे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ DIG जेल उमेश चंद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि जांच की जा रही है, कुछ लोगों पे कार्रवाई हो गई और अभी और भी जिन लोगों को जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रभाकर त्रिपाठी, ETV भारत, रायबरेली।